हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अमेजोन पे लेटर में पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर ऑटो रिपेमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए आज इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने अमेजोन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे अमेजोन के एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा 3 लाइन का, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है अमेजोन पे, तो हम यहाँ पर सिंपली अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजोन पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजोन पे लेटर। मुझे यहाँ पर अमेजोन की तरफ से 7,500 रुपए की लिमिट मिली है। और यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं कि हम अपने अमेजोन पे लेटर में बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट पर पैसा पे करना भूल जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और इसकी लिमिट मेंटेन रहेगी। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है अमेजोन पे लेटर वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लिमिट को यूज कर चुके हैं तो वो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी यूटिलाइज लिमिट में, और आपकी जो टोटल लिमिट होगी वो भी यहाँ पर शो होने लगेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप, ऑटो रिपेमेंट और मेक पेमेंट। अगर आपने जितना अमाउंट अपने अमेजोन पे लेटर में यूज कर लिया है, अगर आप उसको डायरेक्टली पे करना चाहते हैं, ड्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपने बैंक से पैसा ऐड करके आप अपने ड्यू बैलेंस को पे कर सकते हैं। और अगर आप सेट अप ऑटो रिपेमेंट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सेट ऑटो रिपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो चुका है और ऊपर भी लिखा हुआ है लिंक योर डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट टू रीपे ईएमआई ऑटोमेटिकली ऑन ड्यू डेट, जो कि मैंने आपको अभी बताया ड्यू डेट पर आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी या फिर आपका ड्यू अमाउंट। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपकी जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर शो होने लगी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिपेमेंट मोड डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप यहां पर नेट बैंकिंग से भी अपने ऑटो रिपेमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो उस पर क्लिक कीजिए, नेट बैंकिंग है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड का प्रोसेस बताते हैं। हमने यहां पर डेबिट कार्ड पर क्लिक किया, बैंक नेम और रिपेमेंट मोड, उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले यहां पर हमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर लेना है। तो आप यहां पर बैंक अकाउंट का नंबर अपने पासबुक में से देखकर एंटर कर सकते हैं या फिर अगर आपको मालूम है तो आप यहां पर एंटर कर लीजिए। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद लिखा हुआ है वेरीफाई, तो हम यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अभी हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर किया है उसको ये वेरीफाई कर रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर का नाम। तो अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अगर ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपने गलत अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो रिपेमेंट हमारा मेथड सेलेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा और बैंक का लोगो भी आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपकी ब्रांच का IFSC आ जाएगा और लिखा हुआ है अकाउंट टाइप। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, तो हम सेविंग अकाउंट कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हमारे अमेजोन पे लेटर कि जितनी भी लिमिट होगी वो लिमिट का अमाउंट यहां पर शो होने लगेगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोसीड, तो चलिए अभी यहां पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर OTP आएगा, तो अब यहाँ पर हमारे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, तो वो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड एंटर कर लिया है, उसके बाद कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो हम यहाँ पर अपने कार्ड नंबर पर क्लिक करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है डेबिट कार्ड वैलिडेशन, तो आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ पर जो कार्ड पर नाम प्रिंट है वो नाम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने ATM कार्ड का पिन भी एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा कोड एंटर कर लेना है, तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद लिखा हुआ है सक्सेस, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस, तो हमारे जो डेबिट कार्ड है वो ऐड हो चुका है और हमारी वैलिडेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, हमें यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, तो हमें यहाँ पर सारी जो हमारी डिटेल है, जो भी प्रोसेस था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। अब यहां पर ये अप्रूवल ऑटोमेशन मांग रहा है, तो यहां पर डिटेल आ चुकी है। अब यहां पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
सो गाइज, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑटो रिपेमेंट सेटअप सक्सेसफुली, योर ऑटो रिपेमेंट इंस्ट्रक्शन हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ पर अब जो हमारा बैंक अकाउंट है और जो ऑटो रिपेमेंट है वो अब सेटअप हो चुकी है और वो हमारा बैंक अकाउंट अब ऐड हो चुका है। अब अगर ड्यू डेट पर हम पैसा पे करना भूल जाते हैं अमेजोन को, तो वो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, जिससे कि हम पर कोई भी किसी तरह की लेट फी नहीं लगेगी, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप अमेजोन पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तभी आप अपने बैंक अकाउंट को ऑटो रिपेमेंट में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई भी आइटम परचेस करते हैं और अमेज़न पे लेटर से पेमेंट करते हैं, तो आप तब तक पेमेंट नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऑटो रिपेमेंट को सेटअप नहीं करेंगे, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को भी बुक नहीं कर सकते। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अमेज़न पे लेटर के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, या फिर अगर आपको एक्टिवेट करना नहीं आता है, तो हमारे ऑफिशियल नोमान चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि आप अमेज़न पे लेटर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अमेज़न पे लेटर को एक्टिवेट करें, तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करना ना भूलें। तो आप Amazon Pay Later से तब तक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक आप ऑटो रिपेमेंट को सेटअप नहीं कर लेते। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।